नमस्कार, मैं हूँ आसिफ सिद्दीकी और मैं प्रीतम लखपाल। हमारे सभी दर्शकों को भारतीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ओर से भी प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 1966 में भारत में पहला प्रेस परिषद का गठन किया गया था। प्रेस परिषद ही था जी, भारतीय प्रेस परिषद का गठन किया गया था 4 जुलाई 1966 को। उसका गठन किया गया था और प्रेस आयोग ने इसकी स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि भारतीय प्रेस और पत्रकारों की जो स्वतंत्रता है वो कायम रहे जी, इसलिए इसका गठन किया गया था और पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी इसका गठन किया गया था। लगातार पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई संगठन काम कर रहे हैं। एक आयोग बना था बीच में, मजीठिया आयोग ने पत्रकारों के हित में काफ़ी बड़े निर्णय दिए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश अब तक के उनमें से अधिकांश निर्णय ऐसे हैं जो लागू नहीं हो पाए हैं। आप इस बारे में क्या बोलेंगे? जी बिल्कुल सही बात है, मजीठिया आयोग ने पत्रकारों के लिए जो कई बहुत अच्छे निर्णय लिए जो उनके हित में भी थे, ये दुर्भाग्य रहा कि उस आयोग की सिफारिशों को न तो कहना चाहिए कि प्रेस नहीं माना गया, नहीं उसे अब तक के लागू किया गया है। बहुत सारे जो बड़े प्रेस घराने हैं उन्होंने आज तक अपने कर्मचारियों को मजीठिया आयोग का लाभ नहीं दिया है। कई पत्रकार, हजारों सैकड़ों पत्रकार लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और कोर्ट की शरण में हैं। भारत में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं। लगातार पत्रकारों की हत्याएँ होती रही हैं, उनकी रक्षा के लिए सरकार ने कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। हालाँकि संविधान में पत्रकारों की रक्षा के लिए सरकार ने पहले ही बहुत सारे वो दे के रखे हैं। उसमें सरकार ने वैसे प्रेस आयोग का गठन तो कर रखा है, लेकिन उस आयोग में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान वैसे कोई नजर आया नहीं। हाँ, वही प्रावधान की ही बात कर रहा था मैं। जब पत्रकारों की रक्षा की जब बात आती है, देश में पत्रकार काफ़ी असुरक्षित माने गए हैं। कश्मीर हो या आपका नागालैंड हो, अन्य जो राज्य हैं वहाँ पर भी पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतन होता रहा है, लेकिन कभी ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं। प्रीतम जी, आपको कोई ऐसी घटना ध्यान आ रही है जो पत्रकारों की असुरक्षा को इंगित करती हो? घटनाएं तो काफ़ी हैं, जैसे वीरप्पन वाला जो केस है। हाँ, वीरप्पन वाला जो वीरप्पन की खोज में जो पत्रकार गए थे जी, तो उनमें से कई तो वापस ही लौट के नहीं आए। उनकी हत्याएं हो गई, उन हत्याओं पर न तो सरकार ने कोई कदम उठाए, न उनकी सुरक्षा के लिए बाद में कोई मतलब नीति बनी इस बारे में। क्योंकि पत्रकार जब भी कहीं मतलब फील्ड में जाता है तो अपनी जान जोखिम में लेके जाता है और पूरी निष्ठा के साथ में वो काम करने के लिए निकलता है, लेकिन जब पत्रकारों के साथ में उनकी जान के साथ में खिलवाड़ होता है तो फिर काफ़ी दुख होता है। जो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है, प्रेस परिषद का गठन किया गया था, इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि पत्रकारिता के मानक भी तय किए जा रहे थे उसके अंदर। जी बिल्कुल। तो आज की जो पत्रकारिता है उसमें उन मानकों का कितना पालन हो रहा है, आप क्या मानते हैं? सर, मानकों का पालन तो हो रहा है, लेकिन कुछ लीक से हटके जो पत्रकारिता हो रही है जी जी, उसमें सुधार की गुंजाइश नज़र आती है। लीक से हटके जो पत्रकारिता हो रही है उसमें आपका क्या तात्पर्य है? लीक से हटके जो पत्रकारिता, जो पत्रकारिता के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों को एक तरफ रख के जो जिस तरह से पत्रकारिता की जा रही है, जिस तरह के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, खूब भप के उसके अंदर कार्यक्रम में आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर पत्रकारिता हो रही है, उसके अंदर कुल मिलाकर एक दूसरे पर दोषारोपण वाला काम चल रहा है, ये पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता ये है कि हम समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनकी बात को ऊपर लेकर के आए, उन्हें हम सरकार तक पहुँचाएँ, उनकी जितनी मदद हो सके, ये पत्रकार का धर्म होता है। आप कुछ बोलेंगे इस बारे में? हाँ बिल्कुल सही बात है, जमीन और जनता से जुड़ी हुई जो पत्रकारिता है वो होनी चाहिए, दोषारोपण वाली और किसी खास विशेष वर्ग के लिए पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए।
जो विशेष वर्ग की आपने बात कही है, बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो हमेशा मीडिया पर टारगेट रहे हैं लगातार किसी न किसी माध्यम से। मतलब मैं किसी एक वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, विशेष वर्ग की। असल में कुछ लोग एक जैसे मुद्दा बनाया गया था अभी बीच में, आपका ये जो सुसाइड वाला मामला आया था सुशांत सिंह का, जी सुशांत सिंह के सुसाइड के मुद्दे को भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठाया गया। उसके अंदर लगभग ऐसा लग रहा था कि पूरा देश उसमें इन्वॉल्व है, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, मामला स्पष्ट था। लेकिन जो भी हो, कोर्ट का मामला है वो। लेकिन इस तरह के बहुत सारे मामले हैं जिन्हें बेवजह तूल दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि ये जो बेवजह तूल दिए जाने वाले मामले होते हैं, ये किस तरह के मामले होते हैं, इसके पीछे क्या कोई किसी का अपना मफाद छुपा हुआ होता है क्या? जी बिल्कुल, इसके पीछे उनका मकसद छुपा होता है। एक मेरा तो ऐसा मानना है कि या तो देश की जनता को गुमराह करने वाली बात हो जी, या उनका जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे मीडिया में या पत्रकारिता के माध्यम से खड़े किए जाते हों, ताकि जनता का ध्यान मतलब मूल मुद्दों से भटक जाए। जी जी, असल में हम बात करते हैं, जब भी विकास की पत्रकारिता की बात आती है तो पत्रकार इससे कोसों दूर नजर आते हैं। विकास की पत्रकारिता का अर्थ यह होता है कि जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, जो इसी जनजातीय लोग हैं, जो बहुत ग्रामीण अंचलों में, बहुत दूरस्थ अंचलों में रह रहे हैं, उनके लिए, उनके अधिकार को पहुँचाने के लिए काम करना, काम करने के जो प्रेरित करने का काम है वो पत्रकार करता है। तो क्या पत्रकार आज ऐसी पत्रकारिता कर रहा है या शहरी चमक दमक में गुम होकर रह गए? नहीं, मैं इस बात में एक अपनी बात यह कहना चाहूँगा कि पत्रकार जो है, ग्रामीण पत्रकारिता की अगर हम बात करें जी, जी। तो ग्रामीण पत्रकारिता में निश्चित तौर पे जो ग्रामीण का पत्रकार है वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। जी बिल्कुल, ईमानदारी से निभा रहा है। नहीं, ग्रामीण पत्रकार तो निभा रहा है, लेकिन जब होता है जिला मुख्यालय वाले पत्रकारों की बात आती है कि वे जाकर के उनकी बात उठाएं, असल में जब जिला मुख्यालय का पत्रकार वहां जाकर के काम करेगा, उनकी दुविधाओं को, उनकी परेशानियों को समझेगा, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे प्रेजेंट कर पाएगा। जी जी, जिला मतलब शहरी जो पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता है जी, वो उनका ये दायित्व बनता है कि वो ग्रामीण पत्रकार के साथ में ग्रामीण पत्रकारिता को ऊपर लेकर आए और उनके मतलब सुख दुख में, उनके संकटों में उनका साथ दे। सही बात है। असल में ना सिर्फ ग्रामीण लोग या आदिवासी या दबे कुचले लोग, समाज में, शहरों में भी बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत होती है। मदद पहुंचाने वाले लोग बहुत सीमित मात्रा में होते हैं, लेकिन पत्रकार जो होता है वो एक बात को, अगर उसके पास कोई जानकारी है तो लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाता है। अगर कोई बात लाखों लोगों तक पहुंचती है, किसी की मदद की ज़रूरत अगर लाखों लोगों को पता चलेगी तो उसके लिए लोग आगे आएंगे। तो हम इस तरह की पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, पिछले दिनों पत्रिका में एक खबर छपी थी, एक फोटो छपा था, एक फोटो स्टोरी थी, उसके अंदर सिर्फ इतना था कि एक बहुत बड़ा शोरूम है, उस शोरूम के बाहर एक बच्चा, एक बहुत गरीब बच्चा उन कपड़ों के साथ निहारता हुआ खड़ा हुआ था। फोटो बहुत मार्मिक था, वो फोटो बहुत चर्चित भी हुआ था, शायद उस फोटो को पुरस्कृत भी किया गया था। तो इस तरह के जो मामले हैं, मतलब इस तरह जो पत्रकारिता के माध्यम से हम जो समाज की बात को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह के और कौन से मतलब ऐसे रास्ते हो सकते हैं जिनसे हम लोगों तक राहत पहुँचा सकें? जी, इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, और मेरा ऐसा मानना है कि निम्न वर्ग से लेके तो जनता के हर मोमेंट पर या उनकी गतिविधि पर या उनसे जुड़ी हुई हर मतलब समस्या को पूरी ईमानदारी से उठाया जाए और उनकी बात को सरकार तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो एक पत्रकार निभाए। ये पत्रकार होना मतलब सनसनी फैलाना नहीं होता है। आपके पास अगर कोई टीवी चैनल है तो आप उसके अंदर खबरें दे सकते हैं, खबरें, अच्छी खबरें दे सकते हैं। सनसनी फैलाकर हम समाज का नुकसान ही करते हैं। सनसनी फैलाने के बजाय अगर पत्रकार हमारे आज के, हालांकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश भर में बहुत अच्छा काम हो रहा है, पत्रकारों ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे देश के नियमों में बदलाव हुए हैं, नए नए संशोधन हुए हैं, बहुत सारी जनता को राहत मिली है इससे। लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए अपना स्वयं का स्वार्थ देखते हैं। हालांकि स्वार्थ तो सभी अपना देखते हैं, लेकिन स्वार्थ किस हद तक होना चाहिए, उससे समाज को नुकसान ना हो, इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें मैं एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा जी आसिफ जी, कि अभी का जो माहौल है, पत्रकारिता का जो माहौल है और पत्रकारों के ऊपर जो
जिस तरह से बेबुनियाद केस दोषारोपण हो रहे हैं, दोषारोपण हो रहे हैं, केस ठोके जा रहे हैं, उनको अंदर किया जा रहा है जी। मतलब यहाँ तक कि देशद्रोह तक के मामले दर्ज करवाए जा रहे हैं, इन पे मतलब रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि पत्रकार कभी भी ये अपने राष्ट्र के साथ में कभी द्रोह कर नहीं सकता, वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही है, ये कि पत्रकार होना अपने आप में देशभक्त होने का एक पक्का पुख्ता प्रमाण होता है, क्योंकि अगर हमारे अंदर देशभक्ति नहीं होगी तो हम पत्रकार नहीं हो सकते। देशभक्ति होगी तो ही हम देश की बात कर पाएंगे, देश के लोगों की बात कर पाएंगे, उनकी समस्याओं को उठा पाएंगे। आप ये कहना चाह रहे थे जी? बिल्कुल, क्योंकि हम उस धरती पर बैठ के बात कर रहे हैं जहाँ पर अगर पत्रकारिता की शुरुआत की अगर बात करें तो माखन दादा की कर्म भूमि पर बैठ के बात कर रहे हैं, तो उस दौर की पत्रकारिता में और आज के दौर की पत्रकारिता में मैं समझता हूँ कि उनके सिद्धांत वही हैं, उनके मूल्य वही हैं, केवल हमें ज़रूरत है कि उन मूल्यों को हम स्थापित रखें। दादा माखनलाल जी के समय जिस तरह की पत्रकारिता होती थी उस समय का दौर अलग था, तब स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था, तब जो दादा ने लिखा है वो जो भी लिखा है वो देशभक्तों की तरफ से लिखा था, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरफ से लिखा था, उन्होंने सरकार के खिलाफ लिखा था और इतना लिखा था कि बार बार उन्हें जेल जाना पड़ा था। हालांकि यही वजह है कि दादा माखनलाल जी चतुर्वेदी आज अजर अमर है हमारे बीच में है, वो अपने आलोकों की वजह से हमारे बीच में है, वो अपने विचारों की वजह से हमारे बीच में है, उन्होंने जो काम किए हैं, उन्होंने जिस तरह देश की सेवा करी है, वो अपने उन मापदंडों की वजह से हमारे बीच में जीवित हैं। तो आज की जो दौर की पत्रकारिता है उससे भी यही निवेदन है हमारा कि हम अपने आप को जिंदा रखें। जिंदा रखना आज जिंदा रहना नहीं है, जिंदा हम इस तरह रखें कि कल भी हमें याद किया जा सके। जी बिल्कुल, हमें अपने विचारों से जिंदा रहने की ज़रूरत है जी। और जैसा मैं आप उसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा, आपने जैसे माखन दादा की पत्रकारिता स्वतंत्रता संग्राम के समय की थी, लेकिन वो पत्रकारिता वास्तव में आज भी नजीर है, आज के पत्रकारों के लिए नजीर है। आज भी सरकारें कई बार ऐसे निर्णय ले लेती हैं जो जनता के लिए उतने अच्छे नहीं होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर निर्णय पूरी तरह सही हो, या हम उसे पूरी तरह गलत भी नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन उंगली ज़रूर उठा सकते हैं, उंगली उठाने का अधिकार हमें इस संविधान ने दिया है। और बिल्कुल, पत्रकारिता का एक विभाग मतलब समालोचना का भी रहा है जी, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उस बात को मतलब अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, दोनों पक्षों को बराबर लेके चलें उसमें। बिल्कुल, तो हमें पूरी उम्मीद है कि भविष्य में क्या वर्तमान में ही पत्रकारिता के जो मूल सिद्धांत हैं उसके ऊपर काम होता रहेगा। धन्यवाद, मैं चाहूँगा आप एक बार जनता से रूबरू हो जाएं। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी हम इसी तरह विभिन्न विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद, मैं प्रीतम लखवाल और आसिफ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।